वेलकम बैक। बात इस वक्त की एक बड़ी खबर की। लखनऊ में बीएसपी विधायकों और जोनल कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग शुरू हो चुकी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में जारी मीटिंग में माना जा रहा है कि मायावती अपने विधायकों और जोनल कोऑर्डिनेटर्स को बताएंगी कि कैसे सपा और कांग्रेस के साथ मिलकर 2019 के चुनाव की तैयारी की जाए। इससे पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एसपी गठबंधन को लेकर आज फिर एक बड़ा बयान दिया। मायावती ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा केंद्र में बीजेपी को रोकने के लिए उन्होंने ये गठबंधन बनाया है और वो हर हाल में बीजेपी को रोकेंगी। कि यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव के आए नतीजों को लेकर 24 मार्च को मेरी हुई प्रेस वार्ता के बाद से तो अब बीजेपी के लोग बहुत बुरी तरह से बौखलाए व परेशान होकर घूम रहे हैं और ये लोग सपा व बसपा की आई नजदीकी को लेकर जो किस्म किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं तो उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी ये नजदीकी अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनी है। हमने देश व जनहित में ये तालमेल बनाने के बारे में हम लोगों ने ये कदम आगे बढ़ाया है। बीजेपी के लोग सपा व बसपा के लोगों को कितना भी भड़काने की कोशिश क्यों ना कर लें तो भी ये लोग देश व जनहित में इनके बहकावे में कतई भी आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें व अन्य और सभी विपक्षी पार्टियों को मिलकर देश में आम जनहित में इनको इस बार केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा और ये सब इनको अब होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अब ये लोग सपा व बसपा की बन रही नजदीकी को लेकर आए दिन किस्म किस्म की अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं जिससे हमारे ऊपर तिल भर भी असर पड़ने वाला नहीं है। चलिए वक्त हो चले।